अब खबरें विस्तार से। टाटा मोटर्स के प्लांट में बीती रात एक मजदूर की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने रविवार को टाटा मोटर्स अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स प्लांट में बीती रात कार्य के दौरान इथु ग्राम के रहने वाले कृष्णा सिंह नामक 50 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई थी, जिन्हें प्रबंधन द्वारा टाटा मोटर्स अस्पताल में भेज दिया गया। सुबह सूत्रों के अनुसार खबर मिलते ही मृतक के परिजन एवं बस्तीवासियों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा मचाया। बाद में उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल का मुख्य द्वार घंटों जाम कर दिया। इस दौरान भाजपा विधायक मेनका सरदार भी अस्पताल में मौजूद थी, जो घंटों वहां फंसी रही। हमें कहा गया कि 25 लाख रुपया तक देने की बात है। थोड़ा ही यहाँ कुछ लोग और रुकी है, मतलब क्लियर कर देंगे। हम जमशेदपुर में है, उससे नौकरी देने का प्रक्रिया आरम्भ किया और अभी 20 दिन के अंदर में एक कर्मचारी जो स्थायी कर्मचारी थे एस के सिंह जी, जो आपको हितकू गांव के रहने वाले थे, टाटा मोटर्स के कर्मचारी थे, वे ड्यूटी पीरियड में कल 2:30 बजे उनकी वहां मृत्यु हो जाती है और यहां इनको हॉस्पिटल में लाया जाता है। कल हम लोग ने यहां पूरा ग्रामीण आए थे, टाटा मोटर्स प्रबंधन से भी हम लोगों ने मांग किए भाई इसको उसके आश्रित को नौकरी मिलना चाहिए, ये आना का निकल रहा है। कल भी बोले, आज भी बुलाए थे सुबह वार्ता करने के लिए, इनका टाल मटल जवाब हमेशा रह रहा है, जिसके कारण सारे ग्रामीण आए हुए हैं और हम लोग का मांग वही रहेगा जब तक उनके आश्रित को, उनका लड़का का नाम है दीपू सिंह, उनको स्थायी नौकरी जब तक टाटा मोटर्स में नहीं दिया जाता तब तक हम लोग इस गेट को जाम करके रखेंगे। दुख हमारा है, हमारा घर का आदमी मरा है, वो हत्या हुआ कि आत्महत्या किया कि हार्ट अटैक अपने से हुआ वो भी अभी पता नहीं, वो भी जांच का एक विषय है, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए उसका मौत का। 35 विधायक की तरफ से कोई आश्वासन मिला? 35 साल फुटबॉल का प्लेयर था, 90 मिनट का लीग खेलता था, वो आदमी को हार्ट अटैक कैसे का लगा, ना उसका किडनी फेलता ना हार्ट फेलता ना ब्रेन हेमरेज का कभी डर था। क्या आदमी उसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, हमारा डिमांड यही है, हमारा मांग यही है कि जो मौत कल हुआ कृष्ण सिंह मुंडा का उसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, टाटा मोटर से बढ़ के कोई हमारे सरकारी जांच होना चाहिए। कदमा फार्मेरिया में एक घर का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 3.5 लाख रुपए के सामानों की चोरी कर ली है। कदमा फार्मेरिया रोड नंबर 12 क्वार्टर नंबर 14 स्थित राजीव राम के आवास का ताला तोड़कर बीती रात चोरों ने टीवी व अन्य कीमती सामान समेत जेवर व नकद चुरा लिया। राजीव राम सपरिवार शादी समारोह में शामिल होने शहर से बाहर गए हैं। सुबह ताला टूटा पाकर पड़ोसियों ने उनके ससुर को खबर किया। नंबर रोड है, 14 नंबर क्वार्टर है, घरेला टीवी सब चोरी है, घर से सब चोरी हो गया, सोना का कान का सब जो था सब चोरी हो गया, आलमारी तोड़ के सब ले गया है, करीब 3.5 लाख रुपया का नुकसान हुआ है घर में। किसका घर है? मेरा दामाद का घर है, राजीव जामा का। आपका क्या नाम है? हमारा जगत सर गोप। कहाँ रहते हैं आप? फतिमा नगर। यहाँ कौन रहता था पहले? ये बिटी दामाद रहता। पत्रकारों के जीवन पर आधारित पुस्तक बियॉन्ड न्यूज का रविवार को विधिवत विमोचन किया गया। पुस्तक को वरिष्ठ पत्रकार शक्ति व्रत चौधरी और संजीव शेखर ने लिखा है। पुस्तक में 3 पत्रकारों के निजी जीवन को उजागर किया गया है कि किस परेशानी, किस झंझावत और मजबूरी में जीवन यापन करते हैं। रविवार को पुस्तक मेले में आयोजित विमोचन कार्यक्रम में जुस्को के MD आशीष माथुर, डॉक्टर SS रज्जी, विकास मुखर्जी, प्रेस क्लब और जमशेदपुर के अध्यक्ष B श्रीनिवास भी मौजूद थे। 2 पत्रकार ऐसे हैं जिनका पेंगुइन जैसे इंटरनेशनल पब्लिशर ने उस बुक को प्रकाशित किया है, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे।
मैंने और संजीव शेखर ने ये बियॉन्ड न्यूज लिखा है, खासकर पत्रकारों की जिंदगी में। पत्रकार तो पूरे ताउम्र लोगों को देते रहते हैं न्यूज, लेकिन इसके पीछे उनकी क्या विडंबना है, उनकी क्या मजबूरियां हैं, इससे रिलेटेड ही इसमें लिखा गया है। अधिकांश घटनाएं सच न होते हुए भी सच के बहुत करीब है और जमशेदपुर के परिप्रेक्ष्य में ही लिखा गया है। खासकर हम लोगों ने उस पर कंसंट्रेट किया। तीन पत्रकार मित्रों की कहानी है, तीनों ही समर्पित होकर पत्रकारिता में आते हैं, लेकिन उसमें से एक पत्रकारिता से ऊपर छोड़ देते हैं पत्रकारिता, दूसरे अपना लाइन बदल के कॉरपोरेट में चले जाते हैं और तीसरे पत्रकार समझौता कर पत्रकारिता में ही रहते हैं। समय के एक मुकाम पे तीनों मिलते हैं और तीनों एसेस करते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में मुसाबनी, डुमरिया और गुवा बांधा में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न हुआ। यहाँ 70% से ज्यादा मत पड़े। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में मुसाबनी, डुमरिया और गुवा बांधा में बिना किसी रोक रुकावट और अप्रिय घटना के मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। उपायुक्त सह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. अमिताभ कौशल ने बताया कि मुसाबनी में 62%, डुमरिया में 72% और गुवा बांधा में 76% मतदान हुआ। मुसाबनी ब्लॉक में 62%, डुमरिया 72%, गुड़ा बांदा 76%। फ्री एंड फेयर पोल्स कंडक्ट हुए हैं। एक कंप्लेंट आई थी बूथ नंबर 29 गुड़ा बांदा ब्लॉक से, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कसियाबेड़ा, कमरा संख्या 2। इसमें पंचायत समिति के बैलेट पेपर को लेकर कंप्लेंट है, वो हम लोग ने जांच का आदेश एसडीओ को दिया है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब वापस आएंगे तब उससे वो चेक करके तब हम लोग को डिटेल पता चलेगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा प्रयाग ग्रुप द्वारा निवेशकों के हड़पे गए रकम की शिकायत साक्ची थाना में की गई है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्यों ने रविवार को साक्ची थाना में प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ जालसाजी और गबन का मामला दर्ज कराया गया है। उनका कहना है कि कंपनी द्वारा प्रलोभन देकर निवेशकों से करीब 10 करोड़ निवेश कराए गए हैं और अब फरार है। प्रयाग इन्फोटेक हाई रेंज जो है यहाँ पे 2010 से काम कर रही थी, तो उसको लेके हम लोग सभी कार्यकर्ता लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इसमें कहाँ एकत्रित हुए हम लोग? साक्षी थाना में हम लोग आए हुए हैं, जिससे कि साक्षी थाना में हम लोग हैं, जिससे कि हम लोग इसके जमा करता का सब पैसा दिलाना, जिससे साक्षी थाना हम लोग आए हुए हैं, जिससे हम लोग के साथ फर्जरी हुआ है, ताकि हम लोग अंतिम लास्ट ऑप्शन है यहाँ साक्षी थाना में।